नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरेप का स्वागत करता हूं। काफी लंबे समय से युवक पूछ रहे हैं, राहुल भाई कल की अवतार कब आएगा, पाप का नाश कब होगा, भविष्य पुराण में मोहम्मद के बारे में जो बताया गया है वो कितना सत्य है। आज भविष्य पुराण के ही आपको श्लोक पढ़ करके सुनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, किस प्रकार से हिंदुओं में गलत विचारधाराओं का प्रस्थापन हुआ है, विचारधाराओं को लेकर वो आगे बढ़े। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। श्लोक आपको और चीजें आपको तथ्य देने से पहले एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी पुस्तक मेला दिल्ली में लगा था, वहाँ वेद और कुरान कितने दूर कितने पास, ये लोग हर वर्ष आते हिंदू को मूर्ख बनाते हैं। मैं हर वर्ष जाता हूँ, पिछले से पिछले वर्ष तो 3-4 को जो है चुनौती ऐसी मिली थी कि उनको माफी मांगनी पड़ी थी। बहुत सारे इर्द गिर्द जो है लोग इकट्ठा हो गए थे, हम 3-4 युवक थे, हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि हाँ वेद में ये सारे विषय है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ है, कुरान में नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। इस प्रकार की चीज थी। इस वर्ष उन लोगों को मैंने पकड़ा था मूर्ति पूजा की, कुरान में और इस्लाम में मूर्ति पूजा है जिसका कि तुम मना करते हो, ये कहते हो नहीं है। और वो जितनी तेजी से राहुल आर्य का नाम सुन के आए थे कि राहुल आर्य है राहुल आर्य, उतनी तेजी से उल्टे पांव भाग गए। तो एक हिंदू भाई वहां पर आया, कहा कि राहुल भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, जब भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, पहले से सब लिखा है, टेंशन मत लो, कोई समस्या नहीं होगी, इनका सर्वनाश हो जाएगा। तब मेरे को बहुत बड़ी बात लगी और दिल पर बहुत ज्यादा आघात किया इस बात ने कि इस प्रकार की विचारधारा हिंदुओं में है, इनको बचाने वाला कोई नहीं है। उससे एक ही प्रश्न किया कि आपके घर में कोई दुष्ट घुस जाए, आपकी पत्नी की ओर देखे, बहन की ओर देखे, बेटी की ओर देखे, आपके परिवार की ओर जो है गलत दृष्टि से देखे, मां की ओर देखे, तब भी ये कहोगे कि कल की अवतार आएगा और इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे? ये तो देखिए आपके धर्म में शास्त्र में कहा गया गया, वेद क्या आदेश देता ये नहीं देखते। समस्या यहां है, देखिए भविष्य पुराण की आपके पास वैसे आ गया होगा और भविष्य पुराण के श्लोक आप देखिए किस प्रकार से लिखे गए हैं। एतस्मिन् अन्तरे मलेच्छ आचार्येण समन्विताः महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विताः नृपश्चैव महादेवं मरुस्थल निवासिनं गंगा जलैश्च संस्नाप्य पंचगव्य समन्वितैः चंदनादिभिरभ्यर्च तुष्टाव मनसाहरं। भोजराजवाच, फिर भोजराज बोलते हैं, नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिने त्रिपुरा सुरनाशाय बहुमाया प्रवर्तिने मलेच्छैर गुप्ताय शुद्धाय सच्चिदानंद रूपेणे त्वं माहि किंकरं विद्धि शरणार्थम उपगातम। उसके बाद अनेकों बार मोहम्मद आया है, आयोनि सा वरो मतः प्राप्त वंदई तैर्य अभ्युन महामद इति ख्याते पैशाच कृतत्परः फिर महामदश्च तई सार्ध सिंधु तीरम उपापाययो। अनेकों बार फिर ये मोहम्मद की बातें आई, इस प्रकार की चीजें हैं भविष्य पुराण में। केवल मोहम्मद के बारे में नहीं, या अंग्रेज आ गए तो उनके बारे में भी बात आ गई। फिर देखिए भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग में, रविवारे च संडे च फाल्गुने च एव फरवरी षष्ठीश्च शिक्षती जेया तदुदाहरमी हरमी दृशम। दोस्तों इस भविष्य पुराण ने सनातन धर्म हिंदू धर्म का और हिंदुओं का जितना विनाश किया, जितना पतन किया, जितनी कायरता में ये डाले हैं, इतना किसी अन्य ग्रंथ ने नहीं किया है। जब से कोई भी यहां पर आ जाए, कोई भी नई चीजें चलती, उसी के बारे में एक नया श्लोक गढ़ देते पंडित पुजारी अपने स्वार्थ में मूर्ख बनाने के लिए। भविष्य पुराण वेद विरुद्ध है, वेद की आज्ञा है इंद्रम वर्धन्तो अक्तुर है किण्वन्तो विश्वमारे अपघनन्तो अरावण है कि दुष्टों का सर्वनाश करके सबको श्रेष्ठ बनाते चले जाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, ये वेद कहता है। भविष्य का किसी को ज्ञान नहीं होता यह वेद कहता, केवल परमपिता परमात्मा। कोई भी नई विचारधारा आती है तो उसी विचारधारा के ये श्लोक गढ़ देते, हर वर्ष श्लोक बदलते हैं, हिंदू को मूर्ख बनाते हैं और हम ये मूर्खता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये अत्यंत ही शर्मनाक है। यदि अपने धर्म परिवार और राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको वेद की शिक्षाओं को मानकर आगे बढ़ना होगा, रामायण गीता महाभारत दर्शन उपनिषद की शिक्षाओं को मानकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो लोग पूछे थे राहुल भाई आपकी क्या विचारधारा, आपकी क्या मानसिकता है,
मैं भविष्य पुराण को स्वार्थियों के द्वारा लालच और लोभ में बनाया गया एक ग्रंथ मानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये वेद विरुद्ध है, रामायण महाभारत दर्शन उपनिषद नीतियों के विरुद्ध है, इसीलिए सनातन धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है। जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें हैं वो हमारे ग्रंथों से है, बाकी सारी की सारी इधर उधर से अपने स्वार्थ में जानबूझकर डाली गई। आपको यदि जानकारी ठीक लगी हो आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स बाद इसको सब्सक्राइब करें और करावें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर। धन्यवाद, जय श्री राम, सादर नमस्ते। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं।